हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उम्मीदों का प्रभात के इस खास वीडियो में। जी सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूल। जी हाँ, आज के वीडियो में हम लोग हैं कक्षा 11 भौतिकी भाग 2 अध्याय 14 दोलन। जी हाँ, हम लोग ऑसिलेशंस में हैं और एनसीईआरटी अभ्यास का जो ये हम क्वेश्चन हम लोग हैं जिस क्वेश्चन पे है वो पहला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि ये इसमें जो दोलन चैप्टर का पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से क्या पूछ रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। जी हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है, नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो हमें देखिए ये कुछ उदाहरण हमारे सामने दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, हमें इसको देखना है इसको और इसमें परीक्षण करके बताना है कि कौन सी आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि आवर्ती गति होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये डिफाइन करते हैं, चलिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि वास्तव में ये आवर्ती गति जो होती है वो क्या होती है। ठीक, देखिए आवर्ती गति क्या होती है, अगर मान लीजिए कि कोई कण है, अगर कोई कण है और वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपनी गति को एक निश्चित पथ पर बार बार दोहराता है तो ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, यदि कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता हो तो जो उसकी गति कहलाएगी वो आवर्ती गति कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो मान लीजिए एक पूरा चक्र लगाया, उसमें समय कुछ और लगाया और दूसरा चक्कर लगाने में उसका कुछ समय अलग आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, गति दोहरानी चाहिए और दूसरा जो उसमें समय लगना चाहिए एक चक्र पूरा करने में, वो निश्चित समय लगना चाहिए। तो चलिए आइए हमको इसी कसौटी पर परखना है और देखना है कि कौन सी आवर्ती गति है और कौन सी नहीं है। तो देखिए चूंकि इन्होंने कारण बताने के लिए नहीं कहा है तो हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो कारण को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पष्टीकरण दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, पहला है किसी तैराक द्वारा, यानी कोई किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना, किसी तैराक द्वारा नदी के एक तट से दूसरे तट तक जाना और अपनी एक वापसी यात्रा पूरी करना। तो आप समझिए कि जैसे मान लीजिए कि कोई तैराक है वो नदी के एक किनारे से जाता है दूसरे किनारे तक और वहां से फिर वापस आता है और एक यात्रा अपनी पूरी कर लेता है, जहां से उसने शुरू की थी यात्रा गया और आया। तो यहां पर क्या ये आवर्ती गति है, सोचिए जरा, माइंड से जरा सोचिए क्या है। हाँ, आपको समझ आ रहा होगा, देखिए तैराक द्वारा जो नदी के उस पार जाना और फिर वापस आना, इसमें आप अगर गहराई से सोचें तो इसमें कम समय भी लग सकता है और अधिक समय भी लग सकता है, ये तैराक के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां पर चक्र तो पूरा हो रहा है लेकिन जो उसका समय अंतराल है वो निश्चित किया नहीं जा सकता है, इसीलिए ये आवर्त गति नहीं है। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो उत्तर में यह आवर्ती गति नहीं है। यह आवर्ती गति है कि नहीं ये पूछा है, आप बता दीजिए यह आवर्ती गति नहीं है। अगर आप इसका कारण देना चाहो, तो कारण भी दे सकते हो, क्योंकि एक तट से दूसरे तट तक जाने में लगा समय निश्चित नहीं है। चलिए दूसरा देखते हैं, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी नॉर्थ साउथ दिशा से विस्थापित कर छोड़ देना। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए कोई भी मान लीजिए चुंबक ही है, अब ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे जब हम, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में जाके टिक जाएगा।
क्या हो जाएगा, टिक जाएगा। अब कह रहा है कि उत्तरी दक्षिण ध्रुव में जो टिका हुआ है, हम उसकी दिशा से देखिए, इसको इसकी दिशा से थोड़ा सा घुमा के अगर हम छोड़ दें तो ये फिर से अपने पोजीशन में आना चाहेगा, और जब ये आना चाहेगा तो ये उसी पथ पर बार 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 जो है गति करेगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये आवर्ती गति है। उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे हम, प्रश्न नंबर 14.1 पे है हम लोग, तो उत्तर में लिखेंगे हाँ यह आवर्ती गति है, यह आवर्ती गति है, तो इसको आवर्ती गति माना जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता हुआ कोई हाइड्रोजन अणु, अब मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का अणु है, मान लीजिए कोई हाइड्रोजन का अणु है, अब वो अपने द्रव्यमान केंद्र जहां है उसके परितः जो है घूर्णन कर रहा है, क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। तो घूर्णन करने करते समय क्या करेगा वो एक निश्चित समय में जब घूर्णन कर रहा है तो उसका कुछ न कुछ कोणीय वेग होगा, और एक निश्चित समय में अपना पथ वो बार बार क्या करेगा, दोहराएगा। तो यहां पर भी हम उत्तर में लिखेंगे हाँ, हम लिखेंगे हाँ यह आवर्ती गति है, या डायरेक्टली ही हम लिख सकते हैं हाँ, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, यह आवर्ती गति है। यहां पर भी हम लिख देंगे यह आवर्ती गति है, कारण बताना चाहे तो कारण भी बता सकते हैं, यह आवर्ती गति है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, किसी कमान से छोड़ा गया तीर। अब देखिए तीर जब किसी कमान से छोड़ा जाएगा, अगर अगर तीर किसी कमान से छोड़ा जाएगा, अगर ये तीर किसी कमान से छोड़ा जाएगा, तो अब आप बताइए कि ये सीधा ही जाएगा, और जब ये सीधा ही जाएगा तो इसके लौटने का कोई सवाल नहीं है, तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम लिखेंगे उत्तर में यह आवर्ती गति नहीं है, तो देखा आपने इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे आसानी से। अगर आप कारण बताना चाहें तो कारण भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।